नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रमेश और मैं हूं आपके साथ सबीना तामंग देशमुख। इस खास पेशकश में बात होगी टीम इंडिया की शानदार जीत की। आपको बताएंगे कि कैसे वाइजैक में टीम इंडिया ने अफ्रीकी टीम को धोकर रख दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह। और इसके अलावा बात होगी टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा की भी, जो वाइजैक में बने मैन ऑफ द मैच। और आपको बताएंगे कैसे शमी ने लगाया विकेट्स का पंच। तो रवीश, इसमें कोई दो राय नहीं, विराट के वीरों का एक बेहतरीन परफॉर्मेंस किस तरह से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल जबरदस्त जीत भारत को मिली। विंडीज में भी सीरीज जीत के आए थे और इंडिया में होम सीजन की क्योंकि शुरुआत हुई है सबीना, तो यहाँ पे वाइजैक में टेस्ट मैच जीतते। लेकिन मनी सर, जिस तरीके का संघर्ष, जिस तरीके का कह सकते हैं काउंटर अटैक साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग में दिखाया था, सेकंड इनिंग में वो संघर्ष बिल्कुल भी नजर नहीं आया। थोड़ा हम सोच रहे थे कि टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन उनका पूरा टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर सब फेल हो गया। नहीं, हमने बड़ी बड़ी टीमों को इंडिया में आके धराशायी होते हुए देखा है। बड़ी बड़ी टीमों को हमने देखा कि शुरू में तो रेजिस्टेंस दिखाते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता चला जाता है, मुझे लगता है कि ऐसा लगता है उनको कि अब इनसे बचेंगे कैसे, क्योंकि ये इंडियन टीम अपनी कंडीशन में जिस तरह की क्रिकेट खेलती है, मुझे लगता है कि जितनी भी बड़ी टीम आ जाएगी पहले तो दिखाएंगे रेजिस्टेंस, जिस तरह से मैं बात कर रहा था, जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग में किया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो ढह जाते हैं कि इस टीम का जिस तरह का हौसला है, जिस तरह का एटीट्यूड है, जिस तरह की अप्रोच है, इससे हम कैसे पार पा पाएंगे, और वो देखने को मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कैप्टन का एटीट्यूड रहता है वो टीम के ऊपर किस तरह से रब ऑन करता है, क्योंकि विराट कोहली के बारे में हम सभी जानते हैं कि उनको जीत ही पसंद है और वो पूरी टीम में दिखता है। क्योंकि आप देखें, आर अश्विन ने वापसी की, उन्होंने पहली इनिंग में 7 विकेट ली, रोहित शर्मा को इतने सालों बाद मौका मिला और ओपन करने का मौका मिला, उन्होंने दोनों इनिंग्स में सेंचुरीज लगाई। मोहम्मद शमी के बारे में कहा जाता है कि उनकी फिटनेस की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन देखिए किस तरह से वो कितनी बेहतरीन तरीके से फिट हो गया है, और इस तरह की कंडीशन में जहाँ की सीमस के लिए हेल्प नहीं थी वहाँ पर उन्होंने 5 विकेटें ली। सो मुझे लगता है कि जिसको भी मौका मिलता है इस टीम का, इस टीम के हौसले ऐसे बुलंद है और इतने पॉजिटिव फ्रेम में है कि वो परफॉर्मेंसेस करके निकलते हैं। मनी सर, बहुत सारी बातें हो रही है। सुनील गावस्कर ने भी अपने कॉलम में लिखा है कि रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि उनको विंडीज में आपको याद होगा उनको ड्रॉप कर दिया था, प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया, लेकिन यहाँ पे खिलाया, ओवरऑल 7 विकेट उन्होंने लिए हैं। आपको अभी भी लगता है कि फ्रंटलाइन स्पिनर अगर कोई इंडिया का है तो वो अश्विन है, लेकिन फॉरेन सॉइल में हमारी चॉइस फिर चेंज क्यों हो जाती है? ये एक बड़े रहस्य की बात है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं, अगर आप मुझसे पूछें, मैं टीम मैनेजमेंट के साथ हूं और मुझे बात करने का मौका मिले तो मैं आर अश्विन को भी ये कॉन्फिडेंस देता रहूं कि वो नंबर 1 स्पिनर है इंडियन टीम के, और अपने जो टीम सिलेक्ट करते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करूं, क्योंकि आर अश्विन का ये जो भरोसा है ये हमारे पुराने कैप्टन ने तोड़ा था। अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, जब आर अश्विन ने एक इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने के बाद कहा था कि मेरा काम था रन रोकना इन पिचेस के ऊपर, जो कि गलत बात थी, क्योंकि आर अश्विन में वो क्षमता है कि वो अच्छी पिचेस पर भी विकेट्स ले सकते हैं। लेकिन फिर इंडियन टीम मैनेजमेंट को मुझे लगता है कि ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि इस तरह की पिचेस के ऊपर जहां स्पिनर्स के लिए थोड़ी मदद है, आर अश्विन काम कर सकते हैं, बाहर जाते हैं तो फिर जडेजा के ऊपर भरोसा दिखा। और सभी ना, खास बात ये कि 66 टेस्ट मैचों में 350 विकेट रविचंद्रन अश्विन ने ले लिए हैं और बराबरी किसकी की है? मुथैया मुरलीधरन। तभी तो विराट विजयदशमी से हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो एक तो ट्रेलर होता है, एक मूवी होती है, एक होती है ब्लॉकबस्टर मूवी, और मनी सर ये तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि दोनों पारियों में शतक लगा लिया रोहित शर्मा ने, और कह सकते हैं कि सहवाग पार्ट 2 की जो बात हो रही थी वो भी सामने आ गई। लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि असली टेस्ट जो होगा वो एशिया के बाहर होगा, सब कॉन्टिनेंट के बाहर होगा, वहां पता लगेगा कि आपके रेड बॉल से ओपनिंग करने के स्किल्स हैं या नहीं? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि ट्राइंग कंडीशन में किस तरह से बैटिंग करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये ट्राइंग कंडीशंस होंगी जहां पर कि अगर वो रन्स बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमें रोहित शर्मा मिल गया एज एन ओपनर, क्योंकि 32-33 साल के वो अभी हो चुके हैं। लेकिन जो भी कहें, उनको जो मौका मिला उन्होंने भुनाया है, क्योंकि दोनों इनिंग्स में सेंचुरी लगाई है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप इस तरह के रन्स बना के फॉरेन सॉइल के ऊपर जाते हैं, जो ट्राइंग कंडीशंस जिनकी मैं बात करता हूं, जहां बॉल सीम अराउंड करती है, आप वो कॉन्फिडेंस लेके उतरते हैं और फिर वहां भी आप रन्स बनाते हैं, ये हमने वीरेंद्र सहवाग के साथ देख लिया है। सो उम्मीद करते हैं इंडियन क्रिकेट के लिए कि इस कॉन्फिडेंस को लेके जब भी फॉरेन सॉइल पर जाएंगे, रन्स बनाएंगे, एक अच्छी शुरुआत देंगे, क्योंकि ये ऐसे बैट्समैन है, अगर जिस तरह से बैटिंग करते हैं, तेजी से रन्स बनाते हैं, बॉलर्स के पास भी मौका रहता है, काफी टाइम मिलता है उनको मैचेस जिताने के। सभी ना, काफी एंटरटेनिंग इनिंग रही रोहित शर्मा की, जिस तरीके से उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया।